देखिए कल जो घटना घटी है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। अजय सिंह जो माननीय सिवान के सांसद कविता सिंह जी के पति हैं और ये नेता हैं, हम लोग पत्रकार हैं, नेता और पत्रकार का चोरी दामन का रिश्ता होता है। परसों अजय सिंह फोन किए हुए थे कि एक इंटरव्यू मेरा कर लीजिए और उसी के आधार पे कल हम लोग, हालांकि उनके यहाँ जाना था सुबह में ही, लेकिन हम सुबह में हम लोग नहीं जा पाए। कल गांधी जयंती था, बहुत सारा कार्यक्रम था, हम लोग दोपहर में यहाँ से सिवान से निकले हुए हैं। उनके समर्थक जो थे उनसे लगातार हम लोगों की बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि हम लोग हसनपुरा साइड में हैं, हम लोग उसी के आधार पे अपनी गाड़ी से, हमारी पूरी टीम थी, हम लोग हसनपुरा पहुँचे। फिर उनसे बात हुआ, उन्होंने कहा कि हम लोग रजनपुरा हैं, फिर एक उसी में एक गांव है, वहाँ उन्होंने कहा कि आप वहीं किए हम लोग आ रहे हैं। क्या गांव का नाम था? सिमरी गांव का नाम है। तो वहाँ ये चुप रही तो दो तीन गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे, हमको लगा कि ये अजय सिंह का काफिला है शायद, और यहीं पे चूँकि बुलाए हुए थे तो हम अपनी गाड़ी को आगे खड़ा करवा के हम लोग उतर गए। और तब तक एक गली से, उस चौराहे से, उस तीन मुहानी के गली से एक दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी के लोग बाहर निकले और उनके साथ वहाँ के गांव के लोग भी थे। गांव के लोगों ने जब हम लोगों को देखा तो उन्होंने कहा कि आप लोग बड़े पत्रकार हैं, सिर्फ आप लोग बड़े नेताओं का ही इंटरव्यू चलवाइएगा, कभी हम लोग गांव के लोगों का भी बात सुन लिया कीजिए। तो हमने अपने पुत्र जो आज तक चैनल के रिपोर्टर हैं चंद्र कुमार, उसको बोला कि कैमरा लेके आ जाओ, इनसे भी बात कर लेते हैं, गांव के लोग हैं बेचारे, बुजुर्ग लोग हैं, 10 मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं। कैमरा आया, इनसे बातचीत हो रहा था और हम लोग एक रास्ता गया हुआ है आपको दुरौंदा साइड, उस रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ गए। अभी लगभग 2 से 3 मिनट तक ही बात हुआ था, इसी क्रम में अजय सिंह का काफिला वहाँ पर पहुँचा। हमने बाइक को रोक दिया, चूँकि रास्ता बड़ा पतला था, हमने बाइक को रोक दिया और उनके काफिले को, सारे लोगों को किनारे करवाया और उनके काफिले को आगे निकलवाया। इस बीच में जो निर्दलीय प्रत्याशी के कुछ समर्थक, वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी करने लगे, तब तक इनके गाड़ी से या इनके पीछे वाली गाड़ी से, अजय सिंह की गाड़ी से या उनके पीछे की गाड़ी से दो लड़के उतरे और गाली देते हुए, गाली का प्रयोग किया, मारने तक की बात की गई। लेकिन मैंने बीच बचाव करते हुए दोनों लोगों को, उनको उधर हटाया और इनको इधर, और मैं स्वयं पूरे रास्ते में रास्ता बनाते हुए अजय सिंह की गाड़ी को आगे बढ़वाया। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, इसका टोटल वीडियो रिकॉर्डिंग है, उनके बुलाने से लेकर के और उनसे लोकेशन जो हम लोगों को मिल रहा था कि वो कहाँ है, वो सारी बात रिकॉर्डिंग में है, इसमें कहीं कोई बनावटी बात नहीं है। उनका काफिला जब मैंने रास्ता बना दिया तो रोड पे आ गए और बगल की एक गली है उसमें लगभग 200 मीटर पीछे जाने के बाद किसी का मकान है, उनके आगे कुर्सी लगा हुआ था, वो जाके वहाँ बैठ गए। हमारे पुत्र जो यहाँ पे आज तक के रिपोर्टर हैं, लेकिन वो कैमरामैन भी हैं हमारे, कैमरा उन्हीं के हाथ में था, हम और वो दोनों आदमी जहाँ अजय सिंह बैठे हुए थे वहाँ हम लोग पहुँच गए। मेरे पुत्र चंदन ने अजय सिंह से कहा कि भैया यहीं पे फाइट हो जाता, अभी ये सिर्फ इतना शब्द निकलना था कि अजय सिंह स्वयं उठ खड़े हुए
गाली देते हुए मेरे बेटे के हाथ को फोड़ करके एक दूसरे हाथ से उन्होंने कैमरा छीन लिया और उनके इस बर्ताव पे कई उनके समर्थक ने हम लोगों के साथ धक्का मुक्की। जब कैमरा छीना तो मैंने उनका विरोध किया। अब विरोध किया मैंने पूछा कि अरे अजय बाबू ये क्या कर रहा है, तो उन्होंने बद्दी बद्दी गालियाँ देते हुए मुझे भी गाली दी। बड़ा सम्मान करते थे, आज तक उनसे बड़ा अच्छा संबंध रहा है। आज कविता जी हमारी सांसद हैं, लेकिन उनको जब पहली बार टिकट मिला था पटना में तो अजय सिंह ने खुद पटना से मेरे लिए गाड़ी भेजा था सिवान की, कैलाश दी आप पटना आ जाइए, मैडम का टिकट कंफर्म हो गया है और एक बढ़िया इंटरव्यू करवा दीजिए। और मैं यहाँ से उनकी गाड़ी में पटना पहुँच करके उनके विधायक आवास में रात को 11 बजे उनकी पत्नी का और उनका पहला इंटरव्यू, जिस समय उनका टिकट सांसद का कंफर्म हुआ था, ले करके और 3 बजे भोर में हम लोग सिवान पहुँचे थे। अजय सिंह जब जब बुलाते हैं अपने गांव पे या कोई कार्यक्रम होता हम लोग वहाँ जाते हैं, कभी इस तरह की बात नहीं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है, ये समझ के परे है। हम लोगों का कैमरा छीन लिया गया, मारने वाले की बात की गई, हम लोग किसी तरह से जान बचा के बाहर निकले उस गली से, तो गांव वाले का आक्रोश झेलना पड़ा। और इसी बीच में अजय सिंह मैं बड़ा अच्छा काम किया कि वो बेचारे वहाँ से निकल गए, मेरा कैमरा वो लेके गए। गांव वाले बड़े आक्रोशित थे, हम लोगों ने गांव वालों को समझाने का काम किया कि आप कोई घबराइए नहीं, हमारा कैमरा कहीं नहीं गया हुआ है, हमारा कैमरा बिल्कुल सुरक्षित है, वो कैमरा हमारे पास आ जाएगा। देर रात वो कैमरा भी हमको मिल गया, अजय सिंह के बहुत करीबी उन्होंने कैमरा हमको ला करके दिया है। लेकिन इस दरमियान जो कानूनी प्रक्रिया थी, क्योंकि वहाँ पे लोग सड़क जाम कर दिए, पुलिस आ गई, तो स्वाभाविक तौर पे हमें FIR करना पड़ा, ये हमारी मजबूरी थी। हमने FIR किया, जो वहाँ पे घटना घटी थी वो सारी घटना को उसमें दर्शाते हुए FIR किया है। थाने को हम लोगों ने सूचित कर दिया, रात में लगभग 8-8:30 बजे की घटना है। उसके बाद हम पुलिस के घेराबंदी में हम सुबह हमें लाया गया, सुरक्षित हम अपने घर पर पहुँचे हैं। लेकिन एक डर सता रहा है, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, हम राजनेता नहीं हैं, हमारी ताकत कलम है। मैं अजय जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये आवाज़ उन तक पहुँच जाए, मेरा उनसे कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मेरे मान स्वभाव स्वाभिमान पे अगर कुठाराघात होगा, उस पर हमला होगा, मेरी माँ बहन की गाली दी जाएगी, मेरा कैमरा छीना जाएगा, तो मेरी जगह पे वो अपने को रखें और वो बताएं कि उस समय वो क्या करते हैं। मैं आप सबके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे कि मेरी गलती क्या है। अगर वो मेरी गलती बता दे तो फिर जो सजा तय करेंगे अजय सिंह, मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ। अन्यथा अगर उनसे गलती हुई है तो वो अपनी गलती स्वीकार करें। हमारा अजय सिंह से कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, हमारा काम है, हम मीडिया के लोग हैं, समाज में अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, सड़क खराब है, तो उस सड़क खराब की जिम्मेवारी जो वर्तमान में जो विधायक हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं से सवाल पूछा जाए। और इससे कहीं नाराज होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि अजय सिंह ने हम लोगों पे हमला किया, हमारे कैमरे छीन लिए गए, हमें भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। आज प्रेस क्लब और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का यहाँ पे पत्रकार भवन में बैठक हुआ है, सारे पत्रकार शामिल हुए हैं और एक रणनीति बनी है कि कल हम अपनी सुरक्षा को लेकर के, सारे पत्रकारों की सुरक्षा की बात हो रही है, ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, कि किस तरह से क्या इसी परिस्थिति में हम लोग काम करें।
सारे जूनियर पत्रकार हैं, फील्ड में काम करते हैं, कल उनके साथ कोई घटना दुर्घटना घट जाए तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इन सारी बातों को कल हम लोग जिला पदाधिकारी और एसपी साहब को अवगत कराएंगे। सबसे पहले कल सेमरी में हुई घटना की चिंता करता हूँ। पत्रकार भवन में प्रेस क्लब और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की संयुक्त बैठक की गई। इसमें सभी पत्रकार साथियों ने घटना की निंदा की है और निर्णय लिया गया है कि इस मामले को लेकर हम लोग डीएम से मिले। इसके लिए कल यानी 4 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। एक शिष्टमंडल शांतिपूर्वक जाकर अपनी बात को सिवान के जिलाधिकारी और एसपी से मिलकर के वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। पत्रकारों की सुरक्षा की मांग भी की जाएगी। इस विषम परिस्थिति में किस तरह से पत्रकार यहाँ काम करें, क्योंकि उनको अकेले रात में भी कहीं भी जाना पड़ता है, इसलिए उनकी सुरक्षा किस तरह से जिला प्रशासन कर सकता है, इसकी भी मांग की जाएगी। कैला जी का कहना है कि उनको जान से का खतरा भी है, इसलिए इनकी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा और इनकी तत्कालिक सुरक्षा की भी मांग की जाएगी। जरूरत पड़ने पर साथियों ने निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री, डीजीपी व अन्य राज्य स्तर के मंत्री पदाधिकारियों से भी मिलकर हम लोग अपनी बात करेंगे। देखिए, उस घटना को लेकर आज पत्रकार भवन में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और प्रेस क्लब की बैठक हुई और बैठक में इस घटना की निंदा की गई और साथ ही एक संदेश दिया गया कि हम लोग चट्टानी एकता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी परिस्थिति में इस लड़ाई को कमज़ोर होने नहीं देंगे। इसके लिए शिष्टमंडल डीएम से मिलेगा, जितनी भी लड़ाई देनी होगी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबने सर्वसम्मति से इस पर विचार किया और इसकी